नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी और चरखी दादरी के गांव हम चरखी में मौजूद हैं और ये सोमवीर सांगवान हैं, इसी गांव से ये आते हैं और यहां इन्होंने अभी शुरुआत की है। हर गांव में जाएंगे, दौरा करेंगे, लोगों की समस्याएँ सुनेंगे, तो अपने गाँव से ही शुरुआत की है। प्रिंस लांबा थोड़ा आगे होकर दिखा दिया जाए, ये देख पा रहे हैं पूरा गांव उपस्थित है यहाँ पे। और सोमवीर सांगवान लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं यहाँ पे गांव के लोगों की, और सरकारी अधिकारी भी साथ हैं आज। और 15 गांव का आज तूफानी दौरा है, रोज 15 गांव करेंगे। सोमवीर सांगवान यहाँ मौजूद है, तस्वीरों में देख लीजिए, ये गांव का चौक है। चौक में पूरा गांव एक मुश्त यहाँ पे आया हुआ था आज इनसे मिलने के लिए, क्योंकि विधायक है तो गाय बगाए मिल पाते हैं ये। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, हम दिखा पा रहे हैं गांव का चौक है चरखी दादरी, और अभी भी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वैसे तो लोगों के लिए इनका खुला दरबार है, ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्यों दादरी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 4 किलोमीटर दादरी यहाँ से है, लेकिन फिर भी ये लोगों की समस्याएँ लगातार सुन पा रहे हैं जी। तो यहाँ पे जी, तो यहाँ देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं आप सोमवीर सांगवान अधिकारी मौजूद हैं साथ में, और गांव की समस्या है फिरनी को लेके, और ये सोमवीर सांगवान से जानेंगे कि वो किस तरीके से निवारण कर पाएंगे। आज 15 गांव का तूफानी दौरा है यहाँ पे और गांव में उपस्थित हुए हैं सांगवान साहब जी। तो यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए, गाँव के लोग हैं और छोटे मोटे समस्याएँ लेके यहाँ पहुँचे हैं, और सोमवीर सांगवान 15 दिन का तूफानी दौरा कर रहे हैं गांव का चरखी का। तो यहाँ अच्छा खासा एक रुझान देखने को मिला है सोमवीर सांगवान के प्रति लोगों का, क्योंकि विधायक के हो या सत्ता पक्ष के या विपक्ष के लोग। सर, आपके गांव में आज शुरुआत की आपने आज से ही, तो क्या कहेंगे, किस चीज़ की शुरुआत? ऐसा है, पूरा विधानसभा का हर गाँव के अंदर जा रहा हूँ, माननीय मनोहर लाल जी की मेहरबानी हो गई, इन्होंने दादरी के बड़े सौगात दी, रैली के अंदर बहुत बड़ी मांगे हमारी मंजूर करी, 1.5 करोड़ की दादरी हल्के को दी है। गाँवों में जाके जो और समस्या है उनका समाधान करने लोगों को होने के लिए जा रहा हूँ, तमाम हल्के का दौरा कर रहा हूँ। कितने मतलब रोज कितने गाँव? 15 गाँव डेली कर रहे हो, तो लोगों की ऑन द स्पॉट समस्या जो भी समस्या लोग दे रहे हैं एट द स्पॉट उसका समस्या समाधान। तो सरकारी अधिकारी साथ हैं? सारे अधिकारी साथ हैं, साथ लेकर चल रहा हूँ, सबको लेके तुरंत समाधान। तो आपका गांव से आज शुरुआत की? पूरा गांव मेरे साथ है, जब तो मैं जब यहीं जन्मे हूँ। इतना रुझान गाँव के प्रति, इतना प्यार आज देखने को मिला जिस तरीके से यहाँ पे लोग बैठे हैं, पूरा गाँव एक मुश्त, पूरा चौक खचाखच भरा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लोग अपनी जो सभा में लाने के लिए विधायक हो या कोई नेता हो, कोई संतरी हो, वो बड़ा मुश्किल है, जनता आ नहीं पाती, लेकिन आपके प्रति ऐसा है कि यहाँ गाँव का जो नेता उसके प्रति खिलाफ यहाँ पूरा समर्पित है, पूरी जिंदगी लगा रखे है, समाज के साथ है, समाज को साथ लेकर चलता हूँ, 36 बिरादरी मेरे साथ है, फिर निष्पक्ष भाव से ईमानदारी से सेवा करते हैं, उसी का परिणाम है जो लोगों का प्यार आज से नहीं लगातार 32 साल से 3 इलेक्शन लड़े, उसी टाइम आपका प्रधान बना या कोई सामाजिक काम हुआ, गांव ने 36 बिरादरी के भाइयों ने पूरे समाज ने मेरा तन से मन से धन से हर बार मदद करी जी। आज छोटी मोटी समस्याएं हुई हैं जैसे फिरनी को लेके, छोटे मोटे और कई समस्याएं हैं, लगभग गांव के 30 करोड़ रुपया मंजूर हो चुके हैं, वाटर टैंक का, गली का, सीवरेज का, झोड़ का, सफाई का, 30 करोड़ रुपया लगभग काम का चुका है, तो आने वाले टाइम में एक आदर्श काम बनेगा जी। बाबा क्या कहोगे, सोमवीर के साथ खड़े हो आप भी, क्या कहोगे? बस समस्या अपने पार्क की है, पार्क की समस्या कैसे हैं? हाँ बस अब यहाँ भर रहा है, देखो कब क्या करता है जी, क्या कहेंगे साहब? बिल्कुल बढ़िया जी, सोमवीर साहब जो कहते हैं वो करते हैं, और अभी से गांव से जी जी इतना प्यार, ये प्यार का यही कारण है कि ये 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं, और यहाँ पिछड़ा वर्ग 40 का प्रधान हूँ मैं, पिछड़ा वर्ग का, तो हमारे पिछड़ा वर्ग को हमेशा साथ लेके चलते हैं, यही कारण है कि सोमवीर जी के प्रति इतना प्यार है। आज इतना प्यार जो देखने को मिला है वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि इतने लोग मिल नहीं पाते कहीं ना कहीं, हम भी सोचते आ रहे थे रस्ते में वो 20-30, 150 ज़्यादा, लेकिन पूरा गांव यहाँ उपस्थित था। तो इस तरीके से क्या सोमवीर सांगवान अभी जैसे अभी आने वाले चुनाव में क्या लगता है? आने वाले चुनाव में तो भरपूर सहयोग देंगे हम। तो 30 करोड़ रुपये आपके गाँव का पास हुआ है सिर्फ आपके? देखो हमारे गाँव का ये तो मुझे नहीं पता, सांगवान साहब बोल रहे हैं 30 करोड़ रुपए आपके, क्योंकि मनोहर लाल जी ने 1100 करोड़ दिए हैं दादरी जिले को, हमें ये पता है, और ये पूरे क्षेत्र में पैसा लगेगा,
और सोमवीर जी के लिए जो प्रेम है ना, वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं, यही कारण है कि हाँ गरीब को और गरीब की ज़्यादा मदद करता है वो सोमवीर सांगवान। और गरीब के लिए सब कुछ लुटा दिया इन्होंने। हाँ बहुत बढ़िया, सच्चाई है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके इस साथी रहेंगे जी। गरीब लोगों की दुआ इस सोमवीर सांगवान के साथ है, ये सदा ऐसे ही आगे रहेगा। सारे मेरी की दुआ इसके कहल है, ये गरीबों का एक मसीहा है जो गरीबों को साथ लेके चलता है। जहाँ जहाँ मैंने सुना है सोमवीर की आवाज जाती है, इसी के कारण जाते हैं। ये सबको अपना समझते हैं और दुखियों की मदद करते हैं और गरीबों को तो ये साथ लेके चलते हैं। और पार्टी में ऐसा नहीं है, ये सोमवीर सांगवानी है जो 36 बिरादरी को गैल लेके चलता है। अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जात का हो, वो सबसे प्रेम करते हैं, सबको सबका मतलब कि मन जीत रखा है इसने। तो ये गांव के कुछ लोग हैं, समस्याएं हैं, 30 करोड़ रुपया चरखी के लिए पास हुआ है और जो छोटी मोटी समस्याएं अब तक की वो 30 करोड़ रुपये से लगभग यहाँ समस्याएं सुलझा दी जाएंगी। और सोमवीर सांगवान यहाँ मौजूद हुए हैं, सर क्या कहेंगे, क्या नाम है? हाँ जी अशोक। अच्छा, समस्याएं 30 करोड़ रुपये आपके गाँव को मिला हुआ है, क्या कुछ क्या लगता है? ये सब कुछ ठीक हो जाएगा जी, हो जाएगा। हाँ अच्छा, आपको लगता है सोमवीर सांगवान करा? हाँ जरूर कराएंगे। तो नहीं है वही हमारे गाँव का विधायक है, नाम हो रहा है हमारे गाँव? ना ना जी, जरूर कराएंगे। कैसे इंसान है? ये बहुत अच्छे इंसान है जी। आपके पास नैया पार है? हाँ नैया पार है जी। इतने लोग आए कैसे, एक आ नहीं पाते? नेता की सभा में कोई आता नहीं ना जी, आते हैं सभी की सभा में आ जाते हैं, इसका ज्यादा आ जाए। हाँ। जी साहब क्या कहेंगे? बोलो जी। ये सोमवीर सांगवान की इतनी बड़ी सभा हुई है, आपके गांव के लिए 30 करोड़ रुपया पास कर दिया है, तो छोटी मोटी जो समस्याएं सारे निवारण हो जाएगा? विधायक जी पहले भी करवा दे रही इस काम ने, लेकिन बीच के कोरोना कारण थे और आंदोलन के कारण थे रुकावट आ गई, उन दोनों ते ही उल्टा सरकार में आ गया। इब जल्द ही यह है कि बहुत तकाजे थे, काम पूरा हो जाएगा 100% उम्मीद है। अब जो भी बच रहे उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवा देंगे, हो जाएगा काम जल्दी, बिल्कुल तकाजे तो हो जाएगा। तो सोमवीर सांगवान के बारे में दो सभी अच्छे बता रहे हैं, खिलाफत भी बता दो। खिलाफत तो के बताओ, कोई हो तो बताओ। सारे गांव कह रहे बहुत अच्छे बहुत अच्छे है, तो एक आधा ये भी बता। अच्छा जिद्दत विधायक बन के ना वार्ड को मेंबर भी ना बने, बात तो सही है। तो आपकी बार ये आज जैसे शुरुआत आपके गांव से शुरुआत की इन्होंने और कहा कि 30 करोड़ रुपया मास आपके पास हो गया है तरक्की का, तो क्या क्या काम करोगे? 30 करोड़ में एक तो गाँव के मोटी समस्या से वाटर सप्लाई की, एक फिरनी की है, और साथ में इन्होंने बताया कि भी सीवर लाइन दबवा देंगे पूरे गांव में, क्यों ये फल्ड का एरिया आ जाए है, पार्क हाँ पार्क की भी स्कूल की भी, क्यों इसे गांव में पढ़े हो से इस गांव के एक गली ने जानता है भाई, दूसरे को तो बताए तो मेरा पट्टा, इसने तो सपना भी दिखे सी गाँव में आके भाई गाँव में यही समस्या है, इन्हें तो कहीं बताओ उनकी भी जरूरत को नहीं, तो इस कारण। हाँ जी, क्या नाम? राजेश। राजेश जी क्या लगता है सोमवीर सांगवान कहीं ना कहीं इतना प्यार है कैसे गांव में, थोड़ा बताओ। बिल्कुल है जी, नहीं तो विधायक सत्ता पक्ष में होता है ना, उसकी खिलाफत गांव में तो बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल खिलाफत तो खिलाफत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल प्यार है। और ये भी बराबर रखें से गांव की समस्याओं का ध्यान रखें से, क्योंकि अब तक तो बताया था कि 2 साल तो वैसे ही निकल गए थे और अब मौका आया, ऐसे आते ही मौका, पहले तो वो रैली 30 करोड़ रुपये अपने गांव की दादरी के लिए भी बहुत किया है, 1100 करोड़ रुपए देना, फिर गांव की मेरे ख्याल में जो आज ये समस्याएं बताई है, ये रोड वगैरह चोकर दू का कुछ रहे ही नहीं गा, सारी रोड बन जाएगी, बाईपास बन जाएगा, बैरवी वाला बन जाएगा, पांडवन वाला, सोहस वाला और सीवर गांव का, और बिजली की समस्या जितनी भी सारी है उनकी अपने उन्हें अपने ध्यान में रख ली है और बनेंगी, कार्रवाई चल रही है और भी प्रैक्टिकल हुआ है जी। ऐसी क्या जादू की जप्पी देते एक बुलाओ इसे सारे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं सोमवीर सांगवान? देखो ये तो उनका अपना एक जादू है, वो न तो हम समझ पाओ, वो प्यार है इतना से उनका, वो सेवा दी है उनने 30 साल हो गए उरे लगते हुए, सामाजिक आदमी है, समाज से जुड़े रहे हैं हमेशा ही, जब भी कोई भी बात आई है, क्योंकि एक सामाजिक आदमी ने ये मालूम से कि छोटी छोटी समस्याओं को कैसे समाधान करना है, तो वो हर समय जुड़े रहे से, और कोई भी गांव का कोई भी मामला है उनसे छुपा हुआ नहीं है। ये क्या कहेंगे, अभी सरपंच को लेके बातचीत हो रही थी, वो कहले गांव का काम है, गांव जो कहेगा वो मैं पहले तो मेरा परिचय दे दूं, मेरा ये दोस्त है वैसे स्कूल में, मेरा मन सुख नाम है, मैं यही इसी गांव। आपका दोस्त? हाँ सोमवीर जी,
लंगोट क्या यार? अच्छे विचार आदमी से, तो इसने सारे बराबर सरपंच तो इमन ने राजकुमार का टांग रखा है, अपना अपना तरीका अलग। लगता है सोमवीर संगमा ने पूरे हिंदुस्तान में चरखे का नाम रोशन कर दिया? नहीं देखो, नाराज नहीं होना चाहिए, इसने ये बात कही मेरी भी सुनोगे, मन ने अकान में मैं इलेक्शन लड़िया, आधा गांव मन मेंटल भी बता देता है, सुरेंद्र का दोस्त हूँ मैं, बंसी लाल का लड़का था, 180 वोट आई मेरी सरपंची में, तो हारिया हुआ है सरपंच बोलूँगा मैं जीत्या हुआ है सरपंच नहीं बोल सकता। तो सोमवीर तो सबका हो गया ना, तो ये एक आदमी का पकस ले ले, दूसरे का ले ले, तो उसमें फिर मन मुटाव हो जाता है। ये मेरा मैन मतलब तो दोस्ती के नाते हैं, 40 के प्रधान हैं, तो मैं बीच में उतरा चढ़ा कि एक बाद में पहले प्रधान है 40 के, उसके ज़्यादा बड़ा बड़ी आदमी, फिर मैं बीच में बोलूँ कोई भाई मैं न्यू सू मैं न्यू सू, मैं मेरी औकात में रहना चाहिए मैंने मेरे, तो एक ही लड़का है मेरे पास तो मनजीत नाम है, तो मैं तो खेत में जा रहा था, तो फिर पता चले अभी दोस्त आ रहे हैं कोई अच्छी गलत। हाँ बड़ा अच्छा आदमी। तो हम चौक में खड़े हैं, सभी लोग जा चुके हैं, सोमवीर सांगमान भी यहाँ से जा चुके हैं, लोगों का प्यार बड़े बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, और 30 करोड़ रुपया चरखे के लिए पास कर दिया गया है, बहुत जल्दी छोटे मोटे कार्य है वो सुलझा दिए जाएंगे, तो ये प्यार ये प्रेम सोमवीर सांगमान से ही जानना पड़ेगा कि गाँव के लोगों को क्या जादू की जप्पी देते हैं, क्या सुंघाते हैं कि इतने दीवाने हैं, नहीं तो सत्ता पक्ष के जो विधायक होता है फिलहाल उसके तो खिलाफत बहुत ज़्यादा होती है गाँव में, लेकिन इनका विशेष प्रेम है गाँव के लोगों से, कहते हैं कि सोमवीर सांगमान के लिए एक इशारे पे हम मरने के लिए भी तैयार हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि ये लोग गांव के कहते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।